मित्रों, सेक्रेटरी पोम्पियो और सेक्रेटरी मैटिस की एक साथ की गई ये पहली विदेश यात्रा है और विदेश मंत्री बनने के बाद सेक्रेटरी पोम्पियो की ये पहली भारत यात्रा भी है और उनके साथ मेरी पहली बैठक भी है। स्वाभाविक रूप से इस बैठक में हमारे पास चर्चा के कई विषय थे। 2+2 वार्ता से पहले आज सुबह सेक्रेटरी पोम्पियो के साथ मेरी द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें हमने हाल के महीनों में अपने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा की समीक्षा की थी और साझा सरोकारों के बहुत से क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का आदान प्रदान किया था। भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन के टीयर 1 के लाइसेंस छूट के लिए पात्र देशों की सूची में रखने का संयुक्त राज्य अमेरिका का हाल का निर्णय, भारत द्वारा जिम्मेदारी से निभाई जा रही निर्यात नियंत्रण नीतियों को परिलक्षित करता है। आज हमारी चर्चा के दौरान हमने एनएसजी में यथाशीघ्र भारत की सदस्यता के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। मित्रों, हमारे बीच रणनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है कारोबार तथा निवेश। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हमारे संबंध और लोगों के बीच मजबूत होते संबंध हमारी रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं नए अवसरों को जन्म दे रही हैं और हमारे बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक आधार भी प्रदान कर रही हैं। इसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में विकास को समर्थन मिलता है, ज्ञान तथा नवोन्मेष को बढ़ावा मिलता है, नए रोजगारों का सृजन होता है और विकास के लिए महत्वपूर्ण साधनों की व्यवस्था होती है।